सब्सक्राइब करिए धनु की दुनिया यूट्यूब चैनल को और साथ ही बेल आइकॉन दबा लें ताकि आगे आने वाले वीडियो के अपडेट सबसे पहले आपको मिलते रहें। धनु राशि वाले जातक, जीवन में बुरा वक्त आ गया है, परेशान हो गए हैं, सफलता नहीं मिल रही है, कोई आपका साथ नहीं दे रहा है, आप अकेले हो गए हैं, तो इन बातों को हमेशा याद रखना चाहिए। दोस्तों, चाणक्य ने कहा था, इन सब बातों को अगर आप ध्यान रखते हैं तो जरूर आपको जीवन में एक ना एक दिन सफलता अवश्य मिलेगी। आपको परेशान नहीं होना चाहिए, क्या करना चाहिए इस वीडियो में हम लोग यही जानेंगे। तो चलिए मित्रों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हर एक बात बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए सब बातों को बड़ी ही ध्यान से सुनिएगा। जीवन में चली आ रही परेशानी 100% दूर हो जाएगी। और चैनल पर अगर नए आए हैं तो मित्रों, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं, जान लेते हैं धनुराशि वाले जातकों को कौन कौन सी वो गलतियाँ हैं वो करते हैं धनुराशि वाले जातक। दोस्तों, चाणक्य ने बताया है कि जो जातक बुरे वक्त को डटकर मुकाबला करता है और हार नहीं मानता है, वही विजयी कहलाता है। अगर आपको पूरे जीवन में पूरा अच्छा ही अच्छा समय मिले तो बुरे लोगों की, मतलब ही लोगों की आप परख ही नहीं कर पाओगे। कौन आपके लिए सच्चा है और कौन झूठा, इसका जो परख है, इसकी जो पहचान है, बुरे वक्त में ही होती है। क्योंकि जो सच्चा होता है वो बुरे वक्त में भी आपके साथ खड़ा होता है। इसलिए बुरा वक्त का आना भी जीवन में आवश्यक है, कि वो जीवन में संतुलन बनाने के लिए अति आवश्यक है। तो परेशान मत होइए, एक ना एक दिन इसका अंत अवश्य होगा। क्योंकि अगर अंधेरा आता है तो सवेरा भी जरूर आता है, रात होती है तो सुबह भी जरूर होती है, समय चलता रहता है, परेशान आपको नहीं होना है। इसलिए विपत्ति और बुरा वक्त आने पर इन बातों का हमेशा ध्यान रखना है। दोस्तों, चाणक्य के अनुसार जीवन में जब भी संकट और बुरा दौर आए तो गंभीरता का कभी भी त्याग नहीं करिए। बुरा वक्त आए तो अपने शुभचिंतकों के साथ, जो साथ है शुभचिंतक है आपको, उनका साथ कभी मत छोड़िए। परिवार के सभी सदस्यों को एक करें और समस्याओं को मुकाबला करिए, डट कर उसका सामना करिए। ऐसा करके बड़ी विपत्ति को भी आप दूर कर सकते हैं। दोस्तों, इस बात को दिमाग में बिल्कुल भी निकाल देना चाहिए कि संकट की घड़ी में एक अकेला व्यक्ति क्या कर सकता है। हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। बुरे वक्त में मन में नकारात्मक विचारों को कतई वरीयता मत दीजिए, कतई भी ग्रो नहीं करने दीजिए, बढ़ने नहीं दीजिए नकारात्मक बातों को, और ना ही उन्हें अपनाइए। संकट के समय जितना आप सकारात्मक रहेंगे उतनी ही परेशानियां कम होंगी। तो संकट आने पर पहले धैर्य पूर्वक उन्हें समझने का प्रयास करिए, उनकी उत्पत्ति और निवारण के बारे में विचार मंथन करना चाहिए आपको। इसके बाद एक ठोस रणनीति बनानी चाहिए। विपत्ति आने पर घबराना बिल्कुल भी नहीं चाहिए, इसे चुनौती मानकर इस पर रणनीति के साथ प्रचंड प्रहार करिए। अगर इन सब बातों का अगर आप ध्यान रहेंगे तो आप दुख में भी, विपत्ति से भी आसानी से निकल जाएंगे और आप अपना खुशहाल जीवन बिता पाएंगे। दोस्तों, इन सब बातों का ध्यान रखें। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक कर दें, चैनल पे हमारे पहली बार आए हैं तो मित्रों, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं आप सभी से एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, आसपास सफाई रखिए, घर वालों का ख्याल रखिए, साथ ही साथ अपना भी ख्याल रखिए। जय श्री राधे, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। ऊपर वाले पे विश्वास रखिए, वो आपकी मदद अवश्य करेगा।